और यहाँ पर वंदना तैयार हो गई हैं गाने की शूटिंग के लिए। देखिए वंदना साड़ी में कितनी अच्छी लग रही है ये, और थोड़ा चश्मा दिक्कत देता है इसलिए इन्हें अजीब लगती है। नहीं साड़ी में तो बहुत अच्छी लग रही है, क्या करा मेकअप कराया था ना, बहुत बिंदी बिंदी खाए हैं और खाना है गले में कुछ भी नहीं है, गले में कुछ भी नहीं, बिंदी कुछ भी नहीं, और आतन में, आतन में बिंदी लगा रही है, चूड़ी भी बहुत मैचिंग हो रही है। तो चलिए डांस की शूटिंग के लिए। और यहाँ पर देखिए ये लाए हैं पैकेट, ये नमकीन की पैकेट रही और ये रही सेव की पैकेट, और ये बहुत ही पसंद है ब्रजवासी नाम का ये नमकीन। और यहाँ पर बन गई है ये मैगिया, हनी खा रहा है मैगिया, सर्दी बहुत ज़्यादा है तो पानी पीकर परेशान है, और वो राकेश के साथ भी खा रहा था तो ये कुछ भी नहीं खाता खाना, सिर्फ सिर्फ मैगी खाता है। आजकल के बच्चों का क्या खाना पीना है। और देखिए मेरी यहाँ पर ये बन गई सौजनी की सब्जी, जो सुबह सुबह खेत से तोड़कर लाए थे, बिल्कुल ताज़ी फलियों की सब्जी है। और यहाँ पर मैंने बना ली है ये चूल्हे पर रोटियाँ, ये चूल्हे की रोटियाँ बहुत ही अच्छी लगती हैं, टेस्टी टेस्टी है, लाल कटिया गेहूँ की रोटी है, देखिए कितनी अच्छी लग रही है, चूल्हे की चपाती। और इधर आज हमारे गेहूँ भर रहे हैं जो कि मंडी कराने वाले हैं, अभी बहुत भीड़ थी तो मंडी में अभी नहीं करवाए थे, और यहाँ पर हमारे गेहूँ भरे हो रहे हैं ये देखिए। और ये ट्रैक्टर इधर भी लगा लिया है, इसमें भी गेहूं भरे होंगे, और यहाँ पर ये गेहूं ये भर ही रहे हैं, यहाँ पर ये दिख नहीं रहा नीचे से। और यहाँ पर हमारा हो गया है खाना चालू, ये देखिए गाय इनके लिए अलग अलग सब्जी बनाई है, क्योंकि हरी सब्जी ये नहीं खाते बिल्कुल भी। और इधर ये मेरी थाली है, मुझे सोने की थाली बहुत अच्छी लगती है, और ये धना की चटनी है, धना की चटनी तो मुझे बहुत ही अच्छी लगती है। तो अब चल रहा है खाना हमारा जाए दोस्तों खाने के लिए। और यहाँ पर देखिए आज हमारे गेहूँ जो लेकर जा रहे हैं मंडी, अभी तक हुई थी मंडी में इतनी ज़्यादा भीड़ जो थी, तो यहाँ पर हमारे हो रहे हैं गेहूँ भरे। गेहूँ भेज रहा क्या करें और क्या कारण लगा खराब है, पैसे की सारे तो कमरा खाली करना है इसलिए गेहूँ भेज देते हैं। और यहाँ पर रूम खाली कर रहे हैं, रूम में रखे हुए गेहूँ, और यहाँ पर ये गेहूँ किसी ने खरीद लिए, और यहाँ पर ये खरीद लिए, और सोनू ने भी खरीद लिए गेहूँ। सोनू कितने गेहूँ खरीद लिए तुमने? दो कुंटल। कितने? दो कुंटल। और इन्होंने भी ले लिए हैं दो कुंटल गेहूँ। तो दो कालू के भालू है। और क्या दो कालू के भालू। पापा का नाम क्या है? कालू। और तुम्हारा नाम क्या है? भालू। भालू गाई, के दो भालू। गाई जिसके पापा का नाम है कालू तो बोलते हैं इसको, प्यार से बालू बोलते हैं इसको, ये कालू के दो भालू है। राहुल और एक का शिवा, एक का राहुल एक का शिवा, शिवा नाम है कालू के दो भालू। हाँ। और यहाँ पर आ गई ये सब्जी वाले भैया, तो मैं आई हूँ सब्जी लेने के लिए, और मुझे ये ताजा गोभी लगा, घर में इतनी सब्जी है फिर भी मन हो ही जाता है लेने के लिए। और यहाँ पर ले लिए मैंने ये टिंडे, और गोभी भी बहुत ताजी है, और सब कुछ सारा सामान बिल्कुल ताज़ा ताज़ा लेकर आते हैं यहाँ पर। ये देखिए टमाटर भी कितने ताजे हैं, और आम भी कितने ताजे हैं, केला भी कितने ताजे हैं, और ये तरबूज भी बहुत अच्छे हैं, बिल्कुल एकदम मीठे निकलते हैं। और यहाँ पर ले लिए मैंने ये दो तरबूज, चाक लगा के भी देते हैं, देखिए चाक लगा कर भी देते हैं, और विश्वास से देते हैं, और बोलते हैं ये आम देखिए घर के आम कैसे खाए जा रहे हैं, बेचने की जगह बेचेंगे, जब बेचेंगे खाओ, और शाक लगा कर देते हैं हर सब्जी को, बहुत अच्छे से देते हैं, भले ज़्यादा ही हो कम ना हो। और यहाँ पर देखिए सोनम वंदना की आज गाड़ी चली नहीं हो रही, और इसका हो गया पेट्रोल ख़त्म, तो इस गाड़ी में से डालना पड़ रहा है, ऐसी नौबत आ जाती है, बस इनका ध्यान रखिए। हाँ, और जाने में इतनी लेट हो गई, 9 बजे गोना पहुँचना था, और 9 बज गए। और देखिएगा ये हमारे घर में मेहमान आ रहे हैं, ये हैं हमारी बुआ जी, आ जाओ ना। और ये वंदना सोनम बारे में कल ही आई, और डांट पड़ी आज सोनम वंदना पे, और ये सोनम भी आ रही हैं, और आ रही हैं हमारी ये बुआ जी बिजरोनी से, आपको पता ही है। आज दोस्तों 29 मई तारीख है, और आज हम लोग जा रहे हैं टिकट एक मूवी संघर्ष मूवी देखने, जिसमें मैंने काम किया है, मेरे साथ जा रहे हैं, निखिल निखिल कुछ बोल रहे, निखिल भी जा रहे हैं टिकट पिक्चर देखने, आज रिलीज हो रही है गुना में टाकीज में, तो सभी लोग जा रहे हैं टिकट पिक्चर को देखने के लिए, और बहुत ही लेट हो गया आज जाने में। और यहाँ पर देखिए मैंने सारी चीज़ों को छान लिया, इसमें रख दी है मैंने मिर्ची, और इसमें भी मिर्ची है, और इसमें बिल्कुल मोटी मिर्ची है जो छान छान कर रख ली हैं, अलग रख ली हैं। और यहाँ पर ये धनिया है, ये पिस्तर आ रही बरसात के लिए, अच्छा रहता है 4 महीना को, और ये हल्दी है। तो यहाँ पर मैंने सारी चीज़ों को पिसवा लिया और रख लिया है डिब्बों में पैक करके,
और यहाँ पर बन गया हमारा ये खाना। देखिए और आज रोटी बना रही है ये वंदना। ये देखिए वंदना कितनी अच्छी अच्छी रोटी बना रही है इस मिट्टी के तवे पे। और खाने हम बनाए हमारा ये देखिए मटर पनीर की सब्जी रही। ये देखिए मटर पनीर की सब्जी और ये सेमई। सेमई तो बहुत ही अच्छी लगती है गर्मियों में। और ये मैंने थाली लगा दी है बुआ जी के लिए। सेमई रही है सब्जी और बनाए रोटी की पुआ। और ये पिज्जा तले थे कोच और ये पोहा बना लिए हैं। तो आज का ये खाना है हमारा। और बुआ जी आ रही हैं हमारी हाथ धो करके खाना खाने के लिए। एक गिलास भर लिया है उन्होंने। और यहाँ पर देखिए और ये देखिए मैंने तरबूज लिए हैं और मैंने इसमें ये चाक लगवाई है तो बिल्कुल एकदम लाल तरबूज लिया है। और चाक लगा कर देखते हैं। और मैंने और भी सब्जी खरीदी है। ये रही कटहल मेरी और ये ताज़ी ताज़ी रोसा की भरी रही है धनिया। और नीचे भी कुछ सब्जी हैं तो ये खरीदी है मैंने आज ये सब्जियाँ। इधर देख हनी। हनी ये क्या है मुझे देना ये। ये तो नहीं दे दे बेटा मुझे। मुझे नहीं दे दे ना थोड़ा सा खिला लूँ मैं। दे दे मेरा है ये गुड्डा। दे दे मेरा है ला ला मेरा है। दे दे मेरा आएगा दे दे उसकी लग जाएगी। और ये गाइस किसी को नहीं दे रहा गुड्डा इतना अच्छा लग रहा है तो उसको ले चल रहा है। और यहाँ पर देखिए हनी खा रहा है ये फ्रूटी और खिला रही है वंदना। फ्रूटी बहुत पसंद है बताना। इधर मुँह का है हनी। अरे वाह नहीं ना आया। और यहाँ पर चल रही है एक्सरसाइज। और देखते हैं आज खाने में क्या बनाया है खाने में। और ये खाने में बन रही है हमारी ये कड़ी की सब्जी। और यहाँ पकौड़ी का जो घोल तैयार कर लिया है और लेकर आई है ताज़ी ताज़ी ककड़ी खेत की। और ये चीकू रहे हमारे घर के। देखिए कितने बड़े बड़े चीकू हैं भाई कितना बड़ा चीकू है देखिए। तो ये ताज़े ताज़े फल लेकर आए खेत से। और यहाँ पर बन गए हमारे ये चावल गर्मा गर्म। और कड़ी भी तैयार हो गई है और इसमें पकौड़ी भी डाल दी है हमने। ये देखिए पकौड़ी वाली कड़ी कितनी अच्छी लगती है। और यहाँ पर बना ली है वंदना ने। शकल छुपा रही है वंदना ने। कभी लाइट जला के ब्लॉगिंग ही नहीं करती इसलिए। नहीं बहुत अच्छी आ रही है एकदम सफ़ेद। तो ये वंदना की पकौड़ी बन गई हैं और पूड़ियाँ भी बन गई इधर हमारी। ये देखिए और खाना चालू हो गया है यहाँ पर। ये देखिए ऑफिस जा रहे हैं जल्दी जल्दी खाना बनाना पड़ता है। यहाँ पर बन रही हैं हमारी ये पूड़ियाँ बन रही हैं।